तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं मजुआ के डेजर्ट से वापस मराकेश। वैसे तो हमको जाना था भाई मराकेश से फेस जाना था, शेफशुआन करके एक सिटी है वहाँ जाना था। उसके बाद टेंजियर से हमारी यहाँ से एग्जिट फ्लाइट थी, मतलब 10-11 दिन हो जाते मेरे को मोरक्को में, 10-11 दिन फिर हम एग्जिट करके चले जाते। पर क्या हुआ कि भाई वहाँ से मरजुगा से कोई मतलब बस ठीक टाइम पे नहीं चल रही थी। एक मोरक्को में बस है जिसका नाम है सुपरा टूर्स करके बस है, सुपरा बस या सुपरा टूर्स करके उनकी बस चलती है। वो चल रही थी शाम को 7 बजे मरजुगा से और सुबह सुबह 4:15 फेस पहुँचाती है। हम 4 बजे क्या ही करते और शाम 7 बजे तक हम मरजुगा में कहाँ ही वेट करते। तो हमने कहा भाई नहीं कोई नहीं मराकेश चलते हैं। अब मराकेश से एक नाइट ट्रेन चलती है जो कि रात को 9 बजे चलती है और वो सुबह 6:30 के करीब वहाँ पहुँचाती थी, सीधा टेंजियर। हमने कहा फिर फेस वेस छोड़ो, सीधा टेंजियर चलेंगे हम लेट के ट्रेन में, स्लीपर ट्रेन है वो। पर अब डिपेंड करता है भाई, ये गाड़ी वाला ऐसे ही रोकता रहा, कह रहा है हर 2 घंटे में रोकूंगा 10-15 मिनट के लिए। मैंने कहा और एक बार तो लंच के लिए भी रोकेगा। और अभी भी लगभग 425 किलोमीटर यहाँ से बचा है, टाइम हो लिया भाई 12 बज गए होंगे। मेरे को तो मुश्किल लग रहा है भाई 9 बजे तक पहुँचाएगा, मेरे को लग रहा है 10 बजे पहुँचाएगा। तो अगर मिल गई ट्रेन तो ठीक है, वरना मराकेश में रुकेंगे और फिर अगले दिन जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगा कि मरजुगा से हम टेंजियर तक कैसे पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, बस ये कोई रोका है इसने 10 मिनट के लिए। भाई ये रुक गए हम लंच के लिए, अभी बज गए कितने, 2 बज गए ना, 2 बज गए और अभी GPS के हिसाब से 4.25 घंटे और बचे हैं। और अब यहाँ पे लोग लगाएंगे कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम लगाएंगे सारे लोग। और हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हमने इनसे पूछ लिया कि कार्ड से लेते हो पेमेंट, तो कहता हाँ लेते हैं। तो 120 दिरहम इस मतलब सीधा ही मेन्यू दे देते हैं यार, कल भी ऐसे ही हुआ था कि इसमें आपको एंट्री देंगे, ये देंगे और फिर सीधा मेन्यू। भाई ये आ गया भाई का चिकन कबाब, क्या मस्त लग रहा है। इनकी सारी सॉस पेल लेंगे हमें ना, और सारे लोग हमको देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खाता है कोई, इनकी तो फट जाएगी। तो भाई खाना खा लिया, जैसे मैंने बताया था कि कैश नहीं है, तो बंदे को हमने बोला कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो बंदा हमको ऐसे चुपके से बोल गया, अरे भाई इतना तेज मत बोलो, ठीक है कर देना तुम कर देना। हमने कहा चलो ठीक है, सब लोगों से नहीं लेते कार्ड, क्योंकि भाई वही है ना, बैंकिंग सिस्टम ही ऐसा है पूरी दुनिया का कि कोई यूज़ करेगा तो उसको नुकसान ही होगा, पहले बैंक को कमीशन दो फिर टैक्सेस में जाएगा, हर चीज़ हर बंदा अपना प्रॉफिट ही देखता है। हमने कहा ठीक है भाई, फिर आए तो कहते कार्ड से दोगे तो 10 दिरहम एक्स्ट्रा लेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ले ले भाई, अब हम करते हैं लोग ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। पर इतना बड़ा जब रेस्टोरेंट खोल ही रखा है तो बड़ा तुम 10 दिरहम में कुछ हो जाएगा, छोटी मोटी चीज़ पे कर सकते हो कि मिनिमम इतना करेंगे ये करेंगे। चलो ठीक है, जैसा भी जो भी है, 5 घंटे बचे हैं और ये था रेस्टोरेंट। खाना बड़ा ज़बरदस्त था भाई, खाने में पूरा मज़ा आ गया हमको। तो भाई यहाँ पे अभी हमको पकड़ लिया और हमसे बोला कि हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख दो। तो उसने बोला आपने बुक करा था, आ जाओ साइड में, हमारे को 2 5-5 सितारे। मतलब यार मेरे को टूर में ऐसी कोई कमी तो नहीं लगी कि मतलब कि मैं 5 स्टार ना दूँ, ऐसी ज़बरदस्ती पकड़ के कराना तो गलत है। भाई कल रात को आके हम रुक गए थे इस हॉस्टल में, हॉस्टल ड्रीम बेल को ये रहा। तो ये वाला होटल मराकेश में था, क्योंकि कल क्या हुआ ना, हमने अपने टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट करी, मतलब वो जो ड्राइवर था जो ग्रुप में गया था हमारे साथ, कि भाई यार हमारी 9 बजे की ट्रेन है, स्लीपर ट्रेन चलती है यहाँ से और वो सुबह 6:30 टेंजियर पहुँचाती है। तो हमने उससे रिक्वेस्ट करी भाई सब लोगों को छोड़ने से पहले ना हॉस्टल में, होटल में जो भी उनके होटल हैं, पहले हमारे ट्रेन हमको ट्रेन स्टेशन पे छोड़ देना। भाई वो कहता कि यार इनके होटल पहले आएंगे, ये आएगा वो आएगा, और कहते कहते कुछ इंग्लिश में बोलना चाह रहा होगा कि भाई वहाँ पे ट्रैफिक होगा, ये होगा। तो साथ में गोरी बैठी थी ड्राइवर के, वो कहती हाँ ट्रैफिक होगा, मतलब उस गोरी का कहने का मतलब ये था कि भाई तू चुपचाप पीछे बैठ जा, ये ड्राइवर हमको ही पहले छोड़ेगा क्योंकि हम गोरे हैं और जिसका पहले आएगा वही छूटेगा। मतलब ये लोग ना किसी की मजबूरी तक नहीं समझते हैं कि भाई इनकी 9 बजे ट्रेन है, चलो छोड़ देते हैं इनको पहले। और इतना दूर नहीं था ट्रेन स्टेशन कि 20-30 किलोमीटर सिटी सेंटर में होता है, आपको पता है ट्रेन स्टेशन 3-4 किलोमीटर जाना था। मैंने टूर एजेंसी को भी बोल दिया कि ड्राइवर ने सब कुछ सही, बिहेवियर वगैरह सब सही था, ऐसा कोई बदतमीजी नहीं करी उसने हमारे साथ, टूर में ही परफेक्ट था सब कुछ। पर यही चीज़ बंदा देखता है कि
आप कैसे बिहेव करते हो कि भाई एक रिक्वेस्ट करी छोटी सी उसको फुलफिल करते हो नहीं करते, और गोरे तो हर बार अपनी जात दिखाते ही हैं। तो कल रात को ना हम मराकेश में आके रुक गए थे, हमने कहा ट्रेन तो निकल ही चुकी है, अब सुबह सुबह हम यहाँ से वापस से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं यहाँ से टैंजियर, तो चलते हैं। ट्रेन लेके जाना पड़ेगा अब दोबारा से, पूरा दिन आज वेस्ट हो जाएगा, कल का ही हो जाता तो रात रात में निकल जाते ना, हॉस्टल के पैसे देने पड़ते। ये हॉस्टल पिछले वाले से मैं कहूँ सड़ा हुआ था, मतलब खम्भलों में से ऐसी बदबू आ रही थी ना, मैं तो मुंह पे तो डालने का सोच भी नहीं सकता था, मैं बेहोश हो जाता। तो कोई नहीं, काट ली रात। तो मैंने टूर एजेंसी को भी बता दिया कि ड्राइवर को बोलो अगर किसी की मजबूरी है, किसी की फ्लाइट है या ट्रेन है, तो उनको पहले छोड़ दो यार, क्या हो जाएगा। और सब लोगों को 5-10 मिनट बाद में छोड़ दोगे तो उन लोगों को भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। साले कॉफ़ी ब्रेक के लिए 10 बार रुक गए, 15-15 मिनट के लिए कॉफ़ी ब्रेक के लिए 10 बार रुक गए, पर नहीं भाई हमको छोड़ने के लिए। तो इनके गोरों को भी वो हो गया और ड्राइवर को भी, ड्राइवर भी गोरों को प्रायोरिटी दे रहा था। तो चलो चलते हैं। ये कोई और एरिया था, ये था कस्बा एरिया मराकेश का, पिछली बार हम रुके थे मदीना एरिया में। तो ला कस्बा, हाँ, वेयर गोइंग? टैंजियर इंडिया। या आई लाइक योर इंडिया। ओह थैंक यू सो मच। बजीगार या शाहरुख खान? शाहरुख खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। परदेश? परदेश। हाँ जलवाल। हाँ यस मेरे में वो बा। नाइस मीटिंग यू ब्रो। या व्हाट? ओह नो ब्रो, वी हैव ओनली 30 dirhams लेफ्ट, वी हैव टू गो टू टैक्सी। ओह ब्रो टैक्सी में मोटर भाई यहाँ कहीं उतार दिया था उस टैक्सी वाले ने कल हमको। ये कस्बा एरिया है, जैसे हम पिछले मदीना में रुके थे ना, कस्बा है, उस रेस्टोरेंट पे हमने खाया था, काफी अच्छा खाना था, जेन्युइन रेट थे। और तो अब यहाँ से टैक्सी लेते हैं, आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है तो उसी तरफ जाना है, तो उसी तरफ की डायरेक्शन की टैक्सी लेते हैं। भाई सबसे बड़े हरामी मैंने आपको बताया ना पूरी दुनिया में कौन होते हैं, मैंने बताया टैक्सी वाले होते हैं सबसे बड़े हरामी। इसने लूट लिया भाई हमको सुबह सुबह, पर हम मजबूर हैं तो हम लूट रहे हैं। ये पहुंच गए भाई ट्रेन स्टेशन, यहाँ से अब बस और ट्रेन निकलने में है, अभी 17 मिनट बचे हैं और टिकट भी खरीदनी है, प्लेटफॉर्म पे भी जाना, देखते हैं कर पाते हैं या फिर नहीं। भाई मेरे को ना ट्रैवलिंग के दौरान पता चला, जैसे अभी मैंने बोला ना 17 मिनट हैं, हो पाएगा या नहीं, मेरे को पता है हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग के दौरान क्या पता चला है कि भाई 5 मिनट ही बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि मैंने यूरोप में जब ट्रेन चेंज करी ना, प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म ट्रेन की ट्रेन में चेंज कर देता था, 5 मिनट में उतरता था, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता था दूसरी ट्रेन में, मेरे को पहले ऐसे लगता था यार 5 मिनट तो बहुत कम है, पर जब सब कुछ ऑर्गेनाइज चलता है ना, टाइम टू टाइम चलता है सब कुछ, तो 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। 17 मिनट में ना मैं 4 बार यहाँ से आगे टिकट लेके ट्रेन में बैठ सकता हूँ, अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर नहीं हो सकता, फिर तो कुछ भी कर लो, फिर तो आप क्या तो छूटेगी या लेट होएगी अगली वाली ट्रेन। तो ये पहुंच गई गारे दे मराकेश, चलो खरीदते हैं टिकट। ये है भाई देखो टिकट काउंटर, और यहाँ से लेना है टिकट। भाई ये है टिकट ट्रेन की, ये वाली थोड़ी महंगी पड़ी है, 146 की, जब हम आए थे सेम स्टेशन से सेम स्टेशन तो 132 की थी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हमारी ट्रेन है अब 610 सबसे पहले वाली फर्स्ट जा रही है, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो ये देखो भाई साहब अब भागने का नाटक कर रहे हैं, मैकडी में जाके ऑर्डर करने लग गए, पूरे टाइम का कर दिया इन्होंने गेम ओवर। 3 मिनट बचे हैं ट्रेन जाने में, मैं आपको बताया ना 3 मिनट भी बहुत होते हैं। ये आ गई भाई ट्रेन, 23 नंबर है हमारा, 23 है भाई, कहाँ खड़े हो भाई? यहाँ की ट्रेनें बहुत वो हैं, चल पड़ी ट्रेन बिना दरवाजा बंद करे। ये कंपार्टमेंट है भाई अपना। तो भाई ये था हमारा डिब्बा, यहाँ आंटी वगैरह बैठी हुई थी तो मैंने ज़्यादा शूटिंग वूटिंग करी नहीं, ये थोड़ा अलग है सेकंड क्लास ही है, पर मेरे को ना पिछले वाला सेकंड क्लास बहुत ज़्यादा बेटर लगा था इस वाले से, इसमें थोड़ा ज़्यादा बिच्चम बिच्चा होके बैठना पड़ा। चलो पहुँचने ही वाले हैं कासाब्लांका। तो भाई ये पहुँच गए हम फाइनली कासाब्लांका वापस। अब यहाँ पे हमारी ट्रेन है 1.5 घंटे बाद, बुलेट ट्रेन है, तो आपको इस वीडियो में बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी मोरक्को की कैसी है, टैंजियर पहुंचा देगी वो हमको, कुछ भूल तो नहीं आए।
बैठे फोन, ठीक है कुछ नहीं भूल के आए। चलो चलते हैं, अब कुछ खाना वाना खाते हैं यहाँ पे, फिर अगली ट्रेन की बुकिंग करते हैं, फिर पहुँचेंगे टेंजियर, क्योंकि हमारी टेंजियर से ही एग्जिट की फ्लाइट है। पहुँच गए भाई कासा वॉयजर स्टेशन। और भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं किसी से इंडियन रेस्टोरेंट। भाई वहाँ पे सरदार जी खड़े, उनको पता होगा इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे। अरे सरदार जी सत श्री अकाल, आपको इंडियन रेस्टोरेंट पता है कोई कहाँ पे है? अरे रहते हो क्या भैया? भैया आप कैसे आ गए, डोंकी मारने आए हो? ओ भाई पहुंचो भाई, यहाँ पे बाहर आ गए स्टेशन के। और करीम है अपना, मैंने बता रखा है यहाँ पे इलीगल टाइप की है, तो उस पर काफी सस्ती आ रही है। इंडियन रेस्टोरेंट जा रही है, पाजी को इंडियन रेस्टोरेंट खाना था, तो 30 दिरहम दिखा रहे थे करीम में ऑफर वगैरह लगा के। ये सब 40 50 70 से शुरू किया था इन्होंने। पहले तुम झूठ बोली करो 70, पहले ही सच बोल दो कि हम 30 या 35 में ले जाएंगे, फिर तो हम बार्गेनिंग करे भी। तो फिर आगे 40 पे हमने कहा भाई करीम आ गई हमारी, तो 30 में जा रहे हैं हम। भाई 4-5 जने आ गए, मतलब $4 के ऊपर 4 जने अपने माथा पच्ची कर रहे हैं कि हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो। अरे तुम पहले ही सही रेट बता दो तो हम चलेंगे, तुम पहले ही लूटने के मतलब दिख रहे हैं, हम अलग बंदे हैं तो हमको लूट लो। तो टैक्सी वाले देख लो यहाँ पे भी हरामी पंती कर रहे हैं। तो भाई ये पहुँच गए हम इंडियन रेस्टोरेंट, ये आपको याद ही होगा ना, पहले दिन आए थे हम खाना खाने, तो खा के वापस ट्रेन स्टेशन जाएंगे और फिर टेंजियर की ट्रेन ले लेंगे। तो भाई यहाँ आ गए थे हम टिकट लेने, यहाँ पे लाइन में भी लग गया था मैं, पर ये बोले कि इस पे से काउंटर में से कुछ लेके और वहाँ चले जाओ तो सबसे आगे पहुँच जाओगे। भाई देखो ये वाली ट्रेन है अपनी, अब जो टेंजियर जाएगी 1500 जो लिखा है ना 3 बजे की, और देखो इनका स्पेशल साइन बना हुआ है और नीचे लिखा है अल बोरैक। चलो ये टिकट मिली भाई 246 दिरहम की, 2 घंटे 10 मिनट की। तो अभी तो भाई जो मतलब यहाँ पे ट्रेन चल रही है मोरक्को में, बुलेट ट्रेन भी ले आए हैं मोरक्को वाले, सोचो भाई अफ्रीका का देश बुलेट ट्रेन चला रहा है, पर अभी ये बहुत कम रूट पे चल रही है। जैसे मेन जो इनका कासाब्लांका से टेंजियर ही जाती है, बीच में इनकी कैपिटल सिटी आती है रबात, तो वो भी मतलब बुलेट ट्रेन से कनेक्टेड है। मराकेश नहीं है, पर मराकेश भी थोड़े सालों में कर देंगे ये लोग। ये वाली बुलेट ट्रेन है, मैंने आपको पहले भी दिखाई दी कि ऐसी दिखती है, इनकी डबल डेकर सी बुलेट ट्रेन है। अभी 10-15 मिनट हैं जाने में इसको। तो अगर हम इसी रूट पे आप चाहो तो लोकल ट्रेन भी ले सकते हो, आपके पैसे बच जाएंगे और आप सस्ते में ट्रैवल करके जा सकते हो। ये है भाई देखो यहाँ की बुलेट ट्रेन, इसका नाम है अल बोरैक, ठीक है अल बोराक बोरैक पता नहीं कैसे बोलेंगे। तो जैसे जापान में जो बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन कोई भी देश नहीं कहता, जापान में होती है उसको कहते हैं शिनकानसन, जो कोरिया में होती है उसको कहते हैं KTX, यहाँ पे अल बोरैक कहते हैं। और भी काफ़ी सारे देशों में हमने बुलेट ट्रेन ली है, एक और थी उज़्बेकिस्तान वाली को भी कुछ कहते थे, मेरे दिमाग से निकल गया। तो ऐसी दिखती है देखो, तो ये वाली नॉर्मल ट्रेन के बाहर ना ऐसे टीटी नहीं खड़े होंगे, पर इसके बाहर ऐसे टीटी खड़े हैं। अपना डिब्बा नंबर 7 है, मतलब आखिरी में ही होगा लगभग। ये टैंगर जा रही है, देखो देखो जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ 2 लिखा है, तो आप सोचोगे डिब्बा नंबर 1-2 है, ऐसा नहीं है, वो क्लास 1 है और ये क्लास 2 है, मतलब सेकंड क्लास है ये, डिब्बा नंबर 3 आ गया ये। तो ये सीधा यूरोप जैसों का है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, कोई थर्ड वर्ल्ड क्लास नहीं होती यहाँ पे। तो यूरोप से लेके आए होंगे ट्रेन, बस इन्होंने रंग अपने डाल दिए लाल और हरे वाला, जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज पसंद करती हैं। मोरक्को के फ्लैग में भी 2 ही रंग है ना, तो इन्होंने ऐसा ही बना दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है इस ट्रेन का नाम भी अल बोरैक। ये आ गया भाई अपना डिब्बा नंबर 7। अब यहाँ लिखा हुआ है देखो 1158 नीचे और 61 से 118 लोग ऊपर बैठे हैं, मतलब 60 सीट नीचे हैं, 60 ऊपर, हमारी क्या है 35, तो हमारी नीचे है मतलब सीट। और यार बड़ा मॉडर्न सा है मामला भाई। ये आगे बुलेट ट्रेन के अंदर ऊपर मिलती है, अरे यार शीशे तो इसके भी साफ नहीं है, चलो कोई नहीं, यूरोप की भी सारी ट्रेनों के ऐसी सी रहते हैं। और ये देखो मिनी यूरोप है, ये देखो ये दे रखा है, यहाँ से हवा भी आ रही है एसी की, बस टीवी की कमी है। यहाँ देखो अगला स्टेशन लिखा था रबात, तो सेकंड क्लास, ठीक है भाई। मतलब ये ट्रेन पड़ी हमारी पूरी पूरे $25 की, मतलब लगभग 2000 रुपये में हम पहुँचेंगे टेंगर। भाई अभी मैं ट्रेन में आया ना, तो यहाँ एक अंकल बैठे हुए थे, ठीक है, तो देखो दोनों इन सीटों पे खिड़की छाप रखी है, अब मैं समझ ना पाऊँ भाई खिड़की वाली कौन सी सीट है। पर यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखना पड़ेगा आपको,
ये वाली सीट है खिड़की के पास दिखा रखी है, इसमें ये वाली हाईलाइट कर रखी है, मतलब उस तरफ वाली खिड़की दूर है, तो ये वाली खिड़की की है, ये वाली खिड़की के अलावा वाली है। तो भाई अब चल चुके हैं ट्रेन, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजे निकली है भाई और 5:10 पहुंचेगी। देखते हैं एग्जैक्ट इतने ही बजे प्लेटफॉर्म पे लगनी चाहिए, फिर मानूंगा मैं ट्रेन है, ना जल्दी ना बाद में। वरना क्या मानूंगा इसको, खच्चर रेड़ा मानूंगे फिर 2 मिनट लेट होगी तब भी ट्रेन ही रहेगी भाजी। ज्यादा मत बोलो, एयरपोर्ट पे पता है क्या हुआ है आपके साथ। भाई यहाँ आ गए टीटी और ये आ गए टिकट चेक करने। हमारी तो है, हमारे पास संटी भाई की खो दी है, हमेशा ऐसे करते, पिछली ट्रेन में भी ऐसे ही करा था भाई। ये आ गया रबात का स्टेशन। अब मेरे को पता नहीं यार कितनी क्या देर ट्रेन रुकेगी, और फ्रेंच में अनाउंसमेंट होने लग रही है, तो ये इनकी कैपिटल शहर है, इतना कुछ है नहीं करने को, आप भी चाहो तो स्किप कर सकते हो जैसे हमने कर दी। भाई ये पहुंच गए हम केनित्रा स्टेशन पे, ये है दूसरा स्टेशन, पहला आया था रबात और ये दूसरा है केनित्रा। अब इससे अगला आएगा सीधा टेंजियर। तो अभी तक तो ट्रेन की स्पीड भाई मैं बताऊं 150 से 200 के बीच में ही रही है, मतलब लगभग 150 पे चली, 130-140 पे। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट का स्टॉप है और अब मेरे हिसाब से अब चलेगी ये तेज। ये बैठे संटी भाई, दिख नहीं रहा। ये है भाई इस ट्रेन का टॉयलेट, मतलब ओ ये फ्रांस वालों से ही ली होगी इन्होंने ट्रेन, फ्रांस वालों ने डिजाइन करी, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेन में फ्रांस में बैठ चुका हूँ एग्जैक्टली सेम। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, अब चलते हैं वापस नीचे। यहाँ पे देखो ऐसे बैठने का भी है जैसे बंदा बैठा है ना भाई। ये एरिया देखो बिल्कुल बे भाई, बना लो। ये देखो भाई ये एरिया बिल्कुल ही इंडिया लग रहा है भाई, ये देखो। कासाब्लांका से चले थे, पहला स्टेशन आया था रबात और फिर आया था केनित्रा। यहाँ तक ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी भाई, ये मान लो 150 की स्पीड पे इससे तेज नहीं आई होगी, पर अब देखो भाई कितनी तेज आ रही है स्पीड, मेरे हिसाब से अब आ रही है 287 किलोमीटर पर आवर, वो अरेबिक में लिखा है 287 भाई, मतलब इसकी 300 ही हाईएस्ट रख रखी होगी, क्योंकि अब जो है ना आखिरी स्टेशन टेंजियर ही आएगा और उसके बीच में कोई भी स्टॉप नहीं और खाली एरिया बिल्कुल, आप देख सकते हो खेत ही खेत, तो इन्होंने फुल स्पीड भगा रखी है यहाँ पे भाई। अभी तक की हाईएस्ट आई है 294, 300 लिखी भी नहीं देखी हमने, क्या पता गई हो और मतलब डिस्प्ले थोड़ी देर बाद आया हो, ठीक है 300 ही मान लेते हैं, पर 294 गई है भाई। अभी नीचे को गई है ना, नीचे गई है, अब आएगी नहीं लिखी हुई, बहुत देर में लिखी आएगी। देख लिया ये देख लो 301, तसल्ली सी होगी भाई 300 किलोमीटर। लो भाई 317 चली गई थी अभी, ओ लो भाई 317 भाई, ये बाजी का कह रहे हो इतनी फास्ट कैसे कर रहा है ये कि फ्रांस को औकात दिखा रहा है। चलो भाई पहुंच गए टेंजियर, पता भी नहीं चला कब पहुंच गए, मेरा बैग तो नहीं लेगा कोई नहीं, ये रहा भाई। तो भाई ये आ गए हम टेंजियर और 317 तक गई थी, मेरे हिसाब से 320 ही जाती होगी, क्योंकि आपको याद होगा फ्रांस की ट्रेन भी 320 ही मैक्सिमम जाती है, कैपेबिलिटी ज़्यादा की है जाने की, पर लिमिट 320 पे कर रखी है इस ट्रेन की। वहाँ पे देखो एंड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, इससे थोड़ा सा और मतलब 5 मिनट और चल जाती है ना ट्रेनें 300 की स्पीड पे तो स्पेन पहुंच जाते हैं हम, पर बीच में समुंदर ऑब्वियस सी बात है, तो कोई लिंकेज वगैरह नहीं है जैसे लंदन से पेरिस के बीच में है, पर इनकी नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म हो गई है ट्रेन अपनी अल बोराक। अब चलते हैं भाई, यहाँ पे अपार्टमेंट बुक कर लिया हमने हॉस्टल की जगह होटल की। भाई क्या स्टेशन बना रखा टेंजियर में, देखना पेड़ी उगा दी अंदर और पूरा ये फुहारे भी चलने लग रहे हैं स्टेशन के अंदर, बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है। चलो अब चलते हैं बाहर, टैक्सी लेनी पड़ेगी, 7 किलोमीटर दूर है हमारा अपार्टमेंट यहाँ से। भाई ये आ गए हम टेंजियर के स्टेशन के बाहर, और स्टेशन देखो भाई वहाँ लिखा है गारे दे टेंजियर विल, पता नहीं टेंगर कहते टेंजियर लिखने में आता है भाई, पर स्टेशन बड़ा ही भयंकर बना रखा है। तो यहाँ पे भी हमने करीम ऑर्डर कर दी, वो सामने हिल्टन होटल है जहाँ पे संटी भाई रुकेंगे, क्योंकि ये रिच है थोड़े, हम पुअर लोग यहाँ से थोड़ा दूर जा रहे हैं। क्या
क्या ही बताऊं भाई, इतनी तेजी से आए, टैक्सी वाला ऐसे ड्रिफ्ट सी मारी हमारे आगे आके, कहता बैठो बैठो, हमने कहा करीम से हो, कहता हाँ 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 बैठो बैठो, मैंने कहा भाई ये तो नहीं लग रहा मेरे को करीम से, तो मैंने तीन चार बार हमने बोला करीम, फिर कहता ओ पुलिस आ गई मैं जा रहा हूँ, चला गया भाई वो करीम से, मतलब 35 की आ रही थी, ये बंदा आया कहता मैं आपको ले जाऊंगा 50 में, तो हमने ज्यादा झगड़बाजी नहीं करी, पाजी काफी थके हुए हैं, एक लड़की चलती भी जा रही थी, उसी ने फोन उठा लिया और वो कह रही है हेलो हाँ मैं ही हूँ, भाई ऐसा कॉमेडी तो पहली बार हुआ है मेरे साथ। अरे भाई यहाँ कहाँ, कार के शोरूम में। तो भाई देखो ये रहा अपना होटल, पीछे संटी भाई के पीछे हम खड़े थे बैग वैग लेके, और इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको, बुक है पूरा। तो भाई पिछले एक घंटे में अभी क्या हुआ हमारे साथ, हमने होटल बुक करा, पैसे दे दिए $100, और वहाँ पे पहुँचे हम $5 की टैक्सी करके, शहर के थोड़ा दूर था वो, कहते हमारे अपार्टमेंट तो फुल हैं, एक घंटा बिठाया हमको, अब दूसरा बुक करा, अब यहाँ आए हम सिटी सेंटर, अभी पाजी ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे, एक लड़की आई कहती कि मेरे को क्यों ले लिया वीडियो में, अबे तू चल रही है दुनिया में तो एक काम करो ना, तुमको इतनी दिक्कत है तू अपने फोन में से कैमरा हटा दो, तुम भी तो किसी की फोटो खींचते होगे, आ जाते होगे उसके फोन में। भाई ये आ गया इनका शहर का सिटी सेंटर, टेंजर शहर का, देखो पूरी मार्केट है, सही लग रही है ना, काफी अच्छी लग रही है, मतलब बिल्कुल ऐसे यूरोपियन टच। भाई क्या कह रहे हो, अगर किसी को दिक्कत है तो क्या करे भाई, एक हेलमेट ले लो, उसका शीशा भी काला होना चाहिए, वो पहन के चलो, और जब खुद की फोटो खींचनी है हेलमेट उतारो, फोटो खींचो फिर पहन लो और क्या, जब पब्लिक रोड पे चल रहे हो तो भाई आप सबके फोन थोड़ी ना बंद करा सकते हो, स्ट्रीट ऐसी है फोटो खींचने के लिए, वॉकिंग स्ट्रीट है भाई, अपना ढक लो मुंह, इतना ही तुमको दिक्कत है तो ऐसे तुम किसी दिन आके कह दोगे तूने अपनी आंखों से मेरे को क्यों देखा, हमारी आंखें भी फोड़ दो फिर, तो एक काम करो कोई देखने मत दो किसी को, वो बड़ा अगर हम वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं तो लोग तब भी आंखों से ही तो देख रहे हैं। भाई ये दूसरा देश कह रहा हूँ, हाँ दूसरा ही देश आ चुके हैं, इस होटल का नाम होटल मोरिटेनिया है, जो कि मैं मोरिटेनिया जा चुका हूँ। तो पहले भाई पहली बात तो यार मोरक्को में होटल है क्यों इस नाम से, और वो भी मोरिटेनिया के बॉर्डर के पास होता तो मैं समझता भी, पर ये बिल्कुल मोरक्को मतलब स्पेन के पास है और नाम होटल मोरिटेनिया है, ऐसा कुछ रिसेप्शन है। ठीक है 3 जनों का 2 दिन का होटल अब हमको पड़ा, वहां पे हम बुक कर रखा था लगभग $100 का, और यहाँ पे हमको जाके पड़ेगा $68-69 का, तो $30 हमारे बच भी गए, और ये बिल्कुल सिटी सेंटर में भी, ये पहले भी आ रहा था सजेशंस में, पर हमने कहा यार अपार्टमेंट करा लेते हैं, 2 बेडरूम मिल जाएंगे, ठीक है अपना खुला घूमेंगे, थोड़ा रूम में मतलब कंजेस्टेड सा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सिटी से बाहर रुक रहे थे, क्योंकि ऐसे स्ट्रीट बहुत देख रखे हैं, तो चलो कोई नहीं ये भी घूम लेंगे। तो ठीक है बंदा इतना सही है कह रहा, एक जैसे संडी भाई चढ़े पहले 1-2-3, हमने कहा हम 3 है, कहता नहीं नहीं मैंने आपकी बुकिंग देख ली, मेरे को पता था 3 जने आने वाले हैं, तो चलो चाबी वाबी ले ली चलते हैं। तो भाई ये देखो ये है मोरिटेनिया के किंग, ये है मोहम्मद 6 किंग, ये इनके फादर जिन मोहम्मद 5 जिनका कासाब्लांका का एयरपोर्ट इनके नाम से है, मोहम्मद 5 से ये मोहम्मद 6 हैं, मैंने आपको बता ही रखा मोरक्को में डेमोक्रेसी भी और किंग भी है, ये किंग है, प्राइम मिनिस्टर की कहीं पे भी फोटो नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये मिला है कमरा, अब वो $100 का बस इसलिए था, वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट था पूरा, पर वो मिला ही नहीं हमको, ये वॉशरूम सा है, ऐसे मैं सही बताऊँ तो इस देश के हिसाब से तो महंगा है, पर ठीक है 3 जनों में हो जाएगा तो सही है, यहाँ से पूरा व्यू आता है मार्केट का। भाई ये मंगा लिया आगे टेंजर में डिनर करने, भाई थके हुए पूरा, संडी भाई थके हुए, तो अब ये मंगाया चिकन पिज्जा, एक मंगाया मार्गरेटा वेज पिज्जा, ये $4 का ये $5 का, मेन्यू में इतना ही रेट था, अब पता नहीं क्या है, चलो भाई इतना सस्ता, हाँ बस इस पे चिकन डाल दिया, ठीक है चलो।